मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। लिस्ट में कई नेताओं की उम्मीदवारी को लेकर के विरोध होना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भोपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर हुजूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता एमपी में 3 सीटों के प्रत्याशी बदले जाने पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। इसमें सुमावली, शिवपुरी और पिछोर सीट शामिल है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी 228 और कांग्रेस 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दोनों को टिकट वितरण के बाद से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश भर में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर पिछले 3-4 दिनों से कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हुजूर सीट से टिकट मांग कर रहे कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा ने कैंडिडेट बदलने की मांग कर दी है। भोपाल जिले के हुजूर सीट से कांग्रेस ने नरेश ज्ञान चंदानी को टिकट दे दिया है, जबकि भाजपा ने इसी सीट से मौजूदा विधायक रामेश्वर शर्मा पर विश्वास जताया है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर, तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेता प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करीब 42 तो बीजेपी को करीब 22 सीटों पर विरोध झेलना पड़ रहा है। यही नहीं, 6 विधानसभा क्षेत्रों में तो बीजेपी के नेताओं ने खुली बगावत कर दूसरे दल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट ले लिया है, जबकि कांग्रेस में 5 नेता बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वही बता दें कि साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 59 विधायकों के टिकट काटे थे। इन सीटों पर 28 नए उम्मीदवार जीते थे, जबकि 30 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी। एक पर बसपा ने फतह हासिल की। तो वही उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्य विधानसभा सीट के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाना है। फॉर्म वापसी 2 नवंबर तक होगा, मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगा।